नमस्कार, नारी शक्ति एट न्यू इंडिया की इस विशेष तेजस्विनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वो जो साहसी हैं, वो जो हिम्मती हैं, वो जो हौसला रखती हैं, जिनके हौसले आकाश की ऊंचाइयों से भी ज्यादा बुलंद हैं, आज हम उन तमाम महिलाओं को सलाम करते हैं। बीएसएफ की पहली महिला कॉम्बैट ऑफिसर तनुश्री पारिक। परंपरागत रूप से सेना और अर्धसैनिक बलों में महिलाओं को फील्ड में ड्यूटी पर नहीं रखा जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से नियमों में बदलाव कर महिलाओं को फील्ड में तैनात किया जाने लगा है। ऐसी ही एक पहल पर देश के अर्धसैनिक बल बीएसएफ में एक महिला ऑफिसर का चयन हुआ, और वो भी कॉम्बैट रोल के लिए, और उस ऑफिसर का नाम है तनुश्री पारिक। इसी के साथ तनुश्री का नाम देश के इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि भारत के अर्धसैनिक बलों में 51 सालों के बाद किसी महिला को कॉम्बैट रोल मिला था। तनुश्री ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। एक साल से भी अधिक की बेहद कड़ी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने युद्ध कौशल, खुफिया सूचनाएं जुटाने और सीमा की सुरक्षा से जुड़े दूसरे कार्यों का प्रशिक्षण हासिल किया। अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए उन्होंने ड्रिल, ऑलराउंड बेस्ट ट्रेनी और पब्लिक स्पीकिंग के 3 पुरस्कार भी हासिल किए। पहले तो ये बताइए कि जो गौरव है उसके क्या मायने हैं आपके लिए? इसका मायना ये है कि मैं सबको यही बोलती हूँ कि डोंट मिक्स योर जेंडर विद योर प्रोफेशन। तो जब मुझे बोलते हैं कि आप पहली वुमेन ऑफिसर हो और आपको कैसा फील हो रहा है, तो एक डिफरेंस बस ये है कि जब छोटी बच्चियाँ या फिर जब मैं स्टूडेंट से मिलती हूँ तो आई सी होप्स इन देयर आईज, एंड वो जो होप है उसको कैरी फॉरवर्ड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज द बिगर वन। उसके अलावा बीइंग असिस्टेंट कमांडेंट, जो मेरी नॉर्मल ड्यूटीज हैं, जो मेरे कलीग्स की है, दीज आर द थिंग विच आई हैव टू कैरी ऑन लाइक देम। तो वो तो एक नॉर्मल थिंग है, बट उसके साथ जो एडिशनल जो एक ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन ए डिसीजन कि उन्होंने वुमेन्स की एंट्री इन कॉम्बैट रोल ओपन की, टू जस्टिफाई दैट डिसीजन वॉज राइट। मेडिकल साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर टेक्निकल एंट्रीज में वुमेन्स हमेशा थी, जैसे आर्मी में लॉजिस्टिक ले लो, एजुकेशन ले लो। फील्ड वो होता है जैसे जनरल ड्यूटी, जो जहाँ पे जो कमांडर जो अपने हम लोग फौज की भाषा में बोलते हैं, वो मिलिट्री डिसीजंस या फिर वो ऑपरेशनल डिसीजंस लेते हैं कि उनका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ होगा, या फिर हायर लेवल पे जब वो स्टाफ ऑफिसर्स बनते हैं तो जो मेन ऑपरेशनल डिसीजंस जो लेता है वो फील्ड ऑफिसर है, या फिर जो फील्ड में जो ड्यूटीज हो रही हैं उनकी चेकिंग, सर्विलेंस या उनकी मेंटेनेंस, तो वो आज तक सिर्फ आदमी या मेल्स ही कर रहे थे, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड दैट वुमेन को टेक्निकल या फिर नॉन रफ टफ जॉब में ही रखा जाए। सो फील्ड इज लाइक जो भी ड्यूटीज आज तक मैन एज ए ऑफिसर और एज ए लीडिंग कमांडर कर रहे थे, उन ड्यूटीज में वुमेन्स को लाना, मतलब कहने का ये कि दुश्मन आमने सामने है और दो दो हाथ भी आप कर सकते हैं, कॉम्बेटिव का यही मतलब हुआ ना? कॉम्बेटिव, हाँ, कॉम्बेटिव लाइक दोज हु आर ऑन द बैटल ग्राउंड। सीमा पर खड़े होके किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आते होंगे? जब अपन किसी चीज को सोचते हैं तो वो शायद बहुत बड़ी लगती है, बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अगर कुछ भी करना है, इनफैक्ट अगर माउंट एवरेस्ट भी चढ़ना होता है तो लोग सीधा माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बारे में नहीं सोचते हैं, वो पहले बेस कैंप पे जाते हैं, फिर स्टेशन 1, 2 एंड देन वो कैंप्स के अकॉर्डिंग आगे मूव करते हैं। तो आप कोई भी टारगेट हो या जिंदगी में कोई भी काम हो, उसको आप डिवाइड कर लीजिए एंड आप छोटे छोटे उन टारगेट्स को डेली बेसिस पे अचीव करते जाइए। छोटी टारगेट्स को अचीव करना मुश्किल नहीं होता है, बट जब वो बोलते हैं ना, व्हेन यू लुक बैक इन योर लाइफ, आप उन सबको मिलाते हैं तो एक बहुत बड़ा बन जाता है। मैं यहाँ तक ये कभी सोच के नहीं पहुंची थी कि मैं बीएसएफ की फर्स्ट वुमेन बन जाऊंगी ऑफिसर, टू बी वेरी फ्रैंक। माई ऑलवेज टारगेट वॉज कि आज मुझे इतनी पढ़ाई करनी है या फिर आज मुझे इतनी रनिंग करनी है, मैंने आज का टारगेट अचीव किया क्या? ऑफकोर्स यू हैव टू हैव ए बिगर गोल इन योर लाइफ, बट टू अचीव दैट बिगर गोल यू हैव टू डिवाइड दैट एवरी डे। हौसलों की मिसाल, साहस की मिसाल, एक ऐसी मिसाल जिसने दुनिया को दिखा दिया
कि उसके अंदर उसके भीतर आखिर क्या है। एक महिला जिसने कहा कि मैं सभी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ दूंगी, और ऐसा ही उसने किया भी। आज वो लेडी सिंघम के नाम से कहलाई जाती हैं और हम सब, पूरा देश उन पर नाज करता है। वो सीआरपीएफ में काम करती हैं और सीआरपीएफ के भी कोबरा बटालियन में वो असिस्टेंट कमांडेंट हैं। उषा किरण। उषा किरण देश की पहली महिला हैं जिन्हें सीआरपीएफ की इलीट कोबरा कमांडो फोर्स में बतौर अधिकारी तैनात किया गया। ये वो खतरनाक कमांडो फोर्स है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में जुटी है। उषा किरण अपने परिवार से सीआरपीएफ ज्वाइन करने वाली तीसरी पीढ़ी की हैं। मूल रूप से गुड़गांव की रहने वाली उषा किरण ने 25 साल की उम्र में सीआरपीएफ ज्वाइन की। वो पहली महिला अफसर हैं जिन्हें बस्तर में तैनाती दी गई। फोर्स में एंट्री मिलते ही उषा की पहली पोस्टिंग दरभा में हुई। दरभा वही इलाका है जहां झीरम घाटी में एक साथ 29 से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। उषा एक पूरी कंपनी को लीड कर रही हैं। आप सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन की असिस्टेंट कमांडेंट हैं और आप ऐसी पहली महिला हैं। जी। क्यों आपने ये चुना और ये जो हौसला था ये कहाँ से आता है आपके भीतर? खैर, अगर हौसले की बात करें तो हौसला मुझे जरूर मेरे परिवार से मिला है, क्योंकि आज मेरे साथ मेरे परिवार की तीसरी पीढ़ी जो है वो सीआरपीएफ में काम कर रही है। तो बचपन से ही एक कह सकते हैं कि आंतरिक जज्बा जो था, अच्छा, वो बचपन से ही आ गया था कि हाँ, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं और जरूर कुछ कर जाएंगे। तो सीआरपीएफ ज्वाइन किया। सीआरपीएफ ज्वाइन करने के बाद पहले छत्तीसगढ़ में काम किया। जब छत्तीसगढ़ में काम किया तो हौसला और मजबूत हो गया कि अगर यहाँ कर सकते हैं तो कोबरा में भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कोबरा बटालियन को ज्वाइन करने के बारे में सोचा मैंने। जी, लेकिन आपसे पहले किसी ने ऐसा सोचा नहीं था? आप पहली थी जिसने कहा कि मुझे कोबरा बटालियन ज्वाइन करना है। कोबरा बटालियन जो कि एक इलीट फोर्स है और बहुत खतरनाक कारनामों को अंजाम देती है। जी। तो आपको कभी भय नहीं लगा उसके बारे में सोच के? भय नहीं लगा, थोड़े कह सकते हैं कि हेजिटेशन दिमाग में थी कि पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और कोबरा बटालियन का जो बेसिकली ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि उसको जस्टिफाई कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी वजह से बटालियन कहीं वीक ना पड़ जाए, तो ये सब थोड़ी चीजें थी दिमाग में। पर लगा कि नहीं कर लूंगी, और इन्हीं सब भी कह सकते हैं कि मानसिक उलझनों से लड़ते हुए फाइनली कोबरा में पहुंच गई। ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा होता है उसके बारे में, जंगल वॉरफेयर के बारे में काफी कुछ सीखा होता है। तो अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं अपने जॉब में, तो मुझे लगा कुछ फायदा नहीं है उस ट्रेनिंग का। तो जो मैंने सीखा है उसको अप्लाई करने के लिए मुझे एटलीस्ट वहां पे जाना है। या लेकिन ये बताइए कि कोबरा मतलब बटालियन में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो भी बड़ी दमदार ट्रेनिंग होती है। हाँ। और उससे आप पहली बार गुजरी होंगी, क्योंकि आप पहली ऐसी महिला अफसर थी जिसने कहा कि मैं ज्वाइन करूंगी। एक्चुअली वो बहुत कंफ्यूजन का एक कह सकती हूँ मैं दौर था। हाँ। मेरे लिए भी और सीआरपीएफ के लिए भी। अच्छा। क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मुझे कोबरा जाना है और बोल दिया था कि ठीक है आप आ जाइए, पर अभी ट्रेनिंग करवाने वाले जो इंस्ट्रक्टर्स थे, उस्ताद थे, वो बड़े कह सकते हैं जद्दोजहद से गूंज रहे थे। ओहो। तो कि अरे भाई कैसे कराएंगे, लड़की कभी आई नहीं है, जो भी सिलेबस है सब लड़कों के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। अच्छा। क्या कुछ करेंगे इसके साथ में, और ये पता नहीं कैसी होगी, आकर के बोलेगी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं ये नहीं होगा मुझसे या वो नहीं होगा मुझसे। तो ये सब क्या कह सकते हैं कि जो शुरुआती जो उनकी उलझने थी, तो उन उलझनों से जूझते हुए किसी तरह कोबरा ट्रेनिंग स्कूल पहुंची मैं। और वहां पे जाके जब ट्रेनिंग शुरू की तो एक दो हफ्ते बाद मतलब उस्तादों को और सभी इंस्ट्रक्टर्स को समझ में आ गया था कि नहीं ये छोड़ के नहीं भागेगी कम से कम। तो इसके लिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी। और जैसे लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं वैसे ये भी कर जाएगी। एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगी, जब मैंने नया नया कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कदम रखा था, तो एक ऑपरेशन पे हम लोग बाहर निकले हुए थे और वो रात का ऑपरेशन था। तो बहुत ही जिसे कहते हैं घनी काली रात थी वो, और पहला ही मेरा रात का ऑपरेशन था मेरे करियर का। तो उसमें चलते चलते क्या हुआ कि एक जवान जो मेरे आगे चल रहा था उसके बैग से लग के एक झाड़ी मेरी आंख में आके लग गई। तो वो झाड़ी जब मेरी आंख में लगी तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ शायद मेरी आंख में गिर के टूट गया है, और बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि नहीं बर्दाश्त करने वाला दर्द मुझे वहाँ पे होने लगा। पर बात ये थी कि बहुत रात थी और हम लोग एक ऑपरेशन में बैठे हुए हैं, तो आप नहीं चिल्ला सकते हैं, आप ना ही टॉर्च जला कर ये देख सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो आपको सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। और ये समझ में आया कि आप कमांडर हैं तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं मुझे ये कुछ हो गया है भाई, ऑपरेशन को पोस्टपोन कर दो, अब खत्म करो, मुझे वापस जाना है। आपको खत्म करना पड़ेगा।
तो पूरी रात मैं उस दर्द को लेकर के बैठी रही और मेरी आंख से लगातार पानी बहते रहा, पर मैं ये भी नहीं देख पा रही थी कि एक्चुअली हुआ क्या है। सुबह होने पे कैंप आने तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरी आंख में क्या हुआ है, ये समझ में आ रहा था कि कुछ दर्द है। वापस आने पे देखा तो मेरी आंख पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और समझ में आया कि कुछ लकड़ी का टुकड़ा टूट के उसके अंदर फंस गया था। और वो सब हो जाने के बाद में जब बैठ के मैं सोच रही थी तो मैंने ये रियलाइज किया कि आप जब इस तरह के ऑपरेशंस पे या इस तरह के अभियानों में जाते हैं तो आपको अपना कंफर्ट लेवल जो है वो त्याग देना पड़ेगा। वो सीख मुझे उस दिन मिली। साधारण लोग असाधारण काम कर सकते हैं। महिलाओं के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। उनके भीतर भी वैसा ही जोश है, वैसा ही जज्बा है, वैसी ही ताकत है जैसी किसी पुरुष में होती है। और आज हमारी तेजस्विनी भी कुछ ऐसी ही हैं। देश की पहली और अकेली ऐसी महिला जो कमांडोज को ट्रेन करती है, ऐसी महिला जिसके पास 7 डिग्री का ब्लैक बेल्ट है, एक ऐसी महिला जिसमें ताकत है, जोश है और जज्बा है। ऐसी ही हैं हमारी आज की वीरांगना डॉक्टर सीमा राव। देखने में बेहद सामान्य सी महिला, लेकिन आम लोगों से बिल्कुल अलग, कुछ ऐसी कलाओं में पारंगत कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सीमा राव की। बेमिसाल सीमा राव, भारत की पहली और एकमात्र महिला कमांडो ट्रेनर डॉक्टर सीमा राव, जिन्होंने पिछले 20 सालों के दौरान लगभग 20,000 कमांडोज को ट्रेनिंग दी है। सीमा राव की महारत क्लोज क्वार्टर बैटल यानी बहुत कम दूरी के युद्ध की है। मिलिट्री मार्शल आर्ट्स में 7th डिग्री ब्लैक बेल्ट सीमा राव ब्रूस ली JKD मार्शल आर्ट में दुनिया की महज 5 ट्रेनर महिलाओं में से एक हैं, और वो भी सबसे सीनियर। बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर सीमा राव को सुपर वुमन के नाम से भी जाना जाता है। सीमा एक फायर फाइटर, स्कूबा डाइवर, शार्प शूटर, रॉक क्लाइंबर के अलावा मेडिसिन और मैनेजमेंट की डिग्री होल्डर भी हैं। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्लोज क्वार्टर ऑपरेशन की लेखिका डॉक्टर सीमा राव अब तक 8 पुस्तकें भी लिख चुकी हैं। भारतीय आर्म्ड और स्पेशल फोर्सेस को निशुल्क कमांडो ट्रेनिंग देने वाली वीरांगना डॉक्टर सीमा राव, क्या है देश आपके लिए? फॉर मी कंट्री मीन्स लाइफ एंड ऑल दैट आई हैव बीन डूइंग। पिछले 20 सालों से मैं अपने देश के लिए, देश के कमांडोज को ट्रेनिंग देते आ रही हूँ। हाँ, तो ये जो इतना बड़ा काम आप करती हैं, आप देश की पहली और अकेली ऐसी महिला हैं जो लगभग, अगर हम बात करें इलीट फोर्सेस के 20,000 जवानों को अब तक कमांडो के गुर सिखा चुकी हैं, तो ये अचानक, मतलब क्या ये सूझा आपको कि मैं इस तरह के फील्ड में जाऊंगी, मैं इस तरह का काम करूंगी? कहाँ से ये जोश, ये इच्छा शक्ति कहाँ से आया? मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा। तो बचपन से मैं उनकी कहानियाँ सुना करती थी और उनका जो पार्टिसिपेशन था फ्रीडम स्ट्रगल में, तो ये कहानियाँ मैंने सुनी और मुझे लगा कभी ना कभी अगर जिंदगी मौका दे तो मैं भी कुछ करूँ अपने देश के लिए। क्या बात है। तो क्या बचपन में आप कैसी थी, मतलब क्या बचपन में साथी तंग तो नहीं ज्यादा करते थे जिसकी वजह से लगा कि मैं कुछ ऐसा सीख लूं जिससे इनका मुकाबला कर सकूं? नहीं नहीं, इनफैक्ट स्कूल में तो आई वाज अ बुलीड चाइल्ड। अच्छा। और मुझे हमेशा लगता था कि अगर मुझे पावर मिले, स्ट्रेंथ मिले, शक्ति मिले तो अच्छा होगा। तो मैंने इसलिए बहुत जल्दी जिंदगी में मैंने मार्शल आर्ट सीखा, तो वो पहले ओरिजिन्स था पावर का। मुझे लगा कि शायद ये अगर मैं सीखूं तो मैं जो इक्वेशन है वीकनेस और स्ट्रेंथ के बीच में, ये इक्वेशन मैं चेंज कर सकूं, तो वहाँ से ये जो बिलीफ है वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये मार्शल आर्ट का फिर आप इस्तेमाल भी करती थी? यस, ऑन द स्ट्रीट। हाँ, ऐसा हुआ है बहुत बार। लड़कों वड़कों को पीट देती थी? यस, हुआ है ऐसे। जो एक बार ऐसे हुआ था कि एक ग्रुप ऑफ बॉयज थे और उन्होंने मुझे छेड़ा, तो मैंने उनको सबक सिखाया। हाँ, एक को जोर से मारा, दूसरे को घुटने से सिर पे मारा, तो तब तक लोग इकट्ठा हुए। और लेकिन वो मेरा पहला फाइट था। पहला फाइट था। Yes. तो फिर उसके बाद कैसे आपने, मतलब कमांडो ट्रेनिंग खुद कैसे हासिल की, खुद को इस लायक किस तरह से बनाया?
देखिए, अपार्ट फ्रॉम यू नो माय मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, मैंने मैं एक मेंबर थी स्पोर्ट्स, लोकल स्पोर्ट्स क्लब होता है. अच्छा. उसकी मेंबर थी और मैं शूटिंग में माहिर थी. तो एक चांस मीटिंग था सीनियर ऑफिशियल, पुलिस ऑफिशियल के साथ. तो उन्होंने मुझे बताया कि शायद आप हमें डेमोन्स्ट्रेशन दे. तो मैंने अनआर्म्ड कॉम्बैट का डेमोन्स्ट्रेशन दिया और शूटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन दिया. तो ये बहुत पॉपुलर हुआ. तो अलग अलग फोर्सेस मुझे यू नो बुलाने लगे, इनवाइट करने लगे और यहाँ से जर्नी शुरू हुआ. जवानों को इस तरह की ट्रेनिंग देती हैं और आप ऐसी पहली और अकेली महिला हैं जो इस तरह से कमांडोज को ट्रेन करती हैं. वो कैसे देखते हैं आपको, कैसे क्या क्या उनके अंदर आता होगा? मतलब कुछ कहते हैं कि मैडम आप, मतलब विश्वास करते हैं आपके ऊपर? नहीं, देखिए ऐसा है कि द मेल ईगो इज एविडेंट. ओके. तो ऑब्वियसली मुझे प्रूव करना पड़ता है कि आई एम केपेबल इनफ. और ये फिजिकल फील्ड है. फिजिकल फील्ड में अगर आप कुछ कर सकते हो तो उसके बाद उनको ये एश्योरेंस होता है कि ये हमें सिखा सकती है. तो आई हैव टू विन देयर हार्ट्स बाय एक्चुअली डूइंग. सो हाउ डू यू डू इट? मतलब आप, यू हैव टू फिजिकली डू. एंड व्हेन यू डू दैट देन दे सी दैट यू आर स्ट्रांग एंड दैट यू आर स्किल्ड. और तब वो आपको फॉलो करते हैं और आपका कमांड सुनते हैं. पक्की होगी बुनियादे तो हंसे हिंदुस्तान होगा. पहल करो, शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो. पहल करो, शुरुआत करो, करो तो पक्की. वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत. अरे सर 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 गुरजीत नाम सर, एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह. तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में. ये तो फायदे की चीज है सर. तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो. हेलो, कौन? नमस्कार मैडम. जी हम दास, वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा का. सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से, उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे. दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना. घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है. इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें. दस्त के लिए तैयार रहना. घर में ORS और जिंक है ना? छह नाविकाएं, एक छोटी सी पाल वाली नौका और वो चल पड़े दुनिया का चक्कर लगाने, धरती की परिक्रमा करने. और रास्ता उन्होंने चुना समंदर का. छह जाबाज नेवी की ऑफिसर्स जिन्होंने ठान लिया कि वो समंदर को आज अपने आगे कहीं का नहीं छोड़ेंगे. जी हाँ, इसीलिए उन्होंने 254 दिनों में ये काम कर दिखाया, धरती की परिक्रमा पूरी कर दिखाई. और वही है हमारी आज की तेजस्वी. एक छह पाल की नौका, छह युवतियां, उद्देश्य पूरी पृथ्वी का समुद्री यात्रा से भ्रमण. यकीनन एक बेहद मुश्किल चुनौती, लेकिन अभियान की सफलता का पूरा भरोसा. इस असाधारण कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया भारतीय नौसेना की जाबाज नाविकाओं ने. 8 महीने 11 दिन में 3 महासागर, 4 महाद्वीप और 5 देशों का सफर तय कर इन नौसेना की महिलाओं ने इतिहास रच दिया. ऐसा करिश्मा करने वाली ये भारत की पहली महिला टीम है. अभियान का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी ने किया, जिसे दल ने एक 55 फुट की INS तारिणी नौका से संभव कर दिखाया. यात्रा 6 चरण में पूरी की गई. यात्रा के दौरान अनेक दिक्कतें आई. बेहद खराब समुद्री मौसम के कारण कई बार अभियान के पूरा होने पर संशय हुआ, लेकिन इन महिलाओं के अदम्य साहस और हिम्मत ने असंभव को संभव कर दिखाया. यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फॉकलैंड द्वीप, केप टाउन और मॉरिशस में पड़ाव डाला गया, जिसमें 21,600 नॉटिकल माइल की दूरी तय की गई. उन्होंने 2 बार भूमध्य रेखा, 4 महाद्वीपों और 3 सागरों को पार किया. पूरा देश आज जिन जाबाज युवतियों पर फख्र कर रहा है.
आप एक नेतृत्व कर रही थी एक ऐसे दल का जो ऑल वुमेन क्रू था और पहली बार इस तरह के अभियान के लिए निकला था। जी, ये काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। ये इट्स नॉट जस्ट मियर एडवेंचर। पहले हमने जब शुरू किया था हमें लगा कि ये हर किसी दूसरे एडवेंचर की तरह निकलेगा। लेकिन जब हम ज़्यादा सेल करते रहे बोट में तो हमको लगा कि इसमें तो और भी चुनौतियां हैं और ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नेवी ने हमको इस बोट को संभाल के और पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए जो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इसको हमको पूरा करना था। तो ये काफ़ी चुनौती भरा तो काम था ही और साथ ही साथ हम लोगों को इसको करने में भी उतना ही आनंद और एक्साइटमेंट महसूस हुआ। जी, प्रतिभा जामवाल हमारे साथ है। प्रतिभा, 254 दिनों का ये ट्रिप, 8 महीने, मतलब 8 महीने और पूरी दुनिया सामने थी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? खास तौर से अपने भीतर कितना स्ट्रांग महसूस कर रही हैं आज के दिन जबकि इस अभियान को आपने पूरा कर लिया है? जब हमने इस अभियान को शुरू किया था तो हमारे सामने एक एडवेंचर था कि हमें सिर्फ अराउंड द वर्ल्ड जाना है और ये हमारा एक लड़ाई जो थी वो एक नेचर के अगेंस्ट थी। पर जब इस वॉयज के दौरान हमने ये रियलाइज़ किया कि उससे भी ज़्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है क्योंकि इसको एसोसिएट, हमारी इस पूरी वॉयज को एसोसिएट किया गया वुमेन एम्पावरमेंट के साथ, यंग जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए, तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑन पर्सनल लेवल हमारा काफ़ी कई लाइफ लेसन सीखने को मिले, कई तरह की चीज़ें हमने सीखी, सहन शक्ति बढ़ी, अपने हम्बलनेस बढ़ी, तो ऐसे कई लाइफ लेसन मिले जो कि हम अपने साथ अपने ज़िंदगी के लिए में आगे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ पी स्वाति बैठी हैं। पी स्वाति, हम जानते हैं कि जिस प्रकार का ये अभियान था उसमें बहुत कुछ मुश्किलात आपके सामने आई होंगी, ज़रा कुछ बताइए ना किस प्रकार का एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि समंदर शांत होता है तो उतना ही ज़्यादा भयानक रूप भी अख्तियार कर लेता है, स्टॉर्म्स भी आते हैं, बड़ी बड़ी लहरें भी उठती हैं, बड़ी बड़ी मतलब हवाएँ भी चलती हैं, तो इन सब चीज़ों का सामना कैसे किया आप लोगों ने? पूरा 3 साल का जो मेहनत था वो एक दिन था जिस दिन हमने वो स्टॉर्म हमारे बोट के ऊपर, हम लोग जस्ट उस सिचुएशन में थे कि हमें वो स्टॉर्म हमारे ऊपर आना ही था। तो 3 साल की मेहनत उस दिन हमारे अंदर दिखी थी, वो पूरा 19 घंटों तक हमने बाहर बैठ के कंटिन्यूसली बोट को मॉनिटर करना पड़ा। अच्छा। इतने बड़े लहरें थे कि हमें एक मोमेंट पे ऐसा लगा कि बोट पलट भी सकती है और इतनी डरावनी वेव्स थी कि अगर आप सेकंड फ्लोर से नीचे ऐसे झुक के आप देखो तो एक बंदा जो नीचे खड़ा, इतनी बड़ी बड़ी लहरें थी कि जो हम व्हील पे खड़े होके जो व्हील कर रहे थे वो पीछे मुड़ के एक बार देख भी नहीं पा रहे थे कि इतना डरावना था वो सिचुएशन। तो एक लड़की व्हील पे खड़ी है तो दूसरी लड़की उसको कंटिन्यूसली गाइड करी है पीछे से कि हम वो वेव किस साइड से आ रही है, क्योंकि आपको वेव को हमेशा पीछे लेना ज़रूरी है। अगर आप साइड से लोगे तो वेव क्रैश होगी और आपके ऊपर पूरा पता नहीं कितने टर्न के पानी होगा, वो पानी ऊपर आएगा फिर बोट पूरे फ्लड हो जाएगी अंदर। तो उसी सिचुएशन में हमारे ऊपर एक वेव आया था, उसने हमारे सारे एक मिनट के लिए सब लोग फ्रीज हो गए थे कि क्या हुआ है हमारे साथ, और हमारी बोट फ्लड हो गई थी। फिर उसके बाद हमारा इंजन खराब हो गया था। अच्छा। इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होके उसका मोटर खराब हो गया था। तो पूरा 3 साल का जो मेहनत था वो एक दिन था जब हम 19 आवर्स सर्वाइव करके जब बाहर निकले थे उससे, कि लगा कि हाँ ये ट्रेनिंग जरूरी में चाहिए थी। BSF की जवान हैं जिन्होंने 26 जनवरी की परेड पर मोटर बाइक पर राजपथ पर अपने कर्तव्य दिखाए थे, स्टंट दिखाए थे, जिसे देखकर पूरा देश दांतों तले उंगली दबा रहा था। जो मोटर बाइक पर जलवा दिखाया, जो कर्तव्य दिखाए, जो स्टंट दिखाए, देश ने पहली बार देखा। ऐसा सुरक्षा बल पहले कभी ऐसा सामने नहीं आया जिसने अपने महिला दस्ते को इस काम के लिए उतारा हो। ये बताइए कि जब ये बात सामने आ रही थी कि इस तरह का कुछ होने वाला है तो क्या आप तैयार थी मेंटली उसके लिए? शुरू में हमारे साथ बहुत सी प्रॉब्लम थी, मतलब लड़कियों को जब हमने इकट्ठा किया तो जिनको साइकिल भी चलाना नहीं आता उनको आप सोचो कि हम सीधा ही मोटर बाइक पकड़ा दी, वो भी जो है स्टंट करने के लिए।
तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती थी हमारे जो सर थे या हमारे इंस्ट्रक्टर थे उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने जो है पूरी प्लानिंग के साथ में एक इंस्ट्रक्टर टीम, स्पेशल इंस्ट्रक्टर टीम तैयार की और जो है शुरू शुरू में जो थी कि 50 गर्ल्स क्लोज की हमें, दो सब इंस्पेक्टर और 48 महिला कांस्टेबल, तो उनमें से जो था तीन लड़कियों को ओनली स्कूटी चलाना आता था और दो लड़कियों ने कभी नॉर्मली बाइक चलाई थी, तो किसी को साइकिल भी नहीं चलाना आता था, तो ये बहुत हमारे लिए बहुत चैलेंज था कि लड़कियों को बाइक चलाना और वो भी बुलेट चलाना। अच्छा। तो डायरेक्ट उनको पहले उनको जो ये सारा जो प्रोसेस था वो पूरे उसके साथ में चलाया बनाया गया कि एक तो इनको फिजिकली फिट भी रखना है और इनको मेंटली टफ भी करना है। जो 16 इवेंट थे डिफिकल्ट सारे थे और लड़कियों का आप जैसे बता रहे हो ना कि छोड़ के जाने की, ये था कि शुरू शुरू में डरती थी, बहुत डरती थी, मोटरसाइकिल के पास में नहीं आती थी, लेकिन जब इन्होंने सीख लिया, सीखने के बाद में हम लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि नहीं मैम मेरे को चलाना है, एक को इवेंट नहीं देते तो दूसरी ने वो बना लिया, नहीं मैम ये तो मैं चलाऊंगी, नहीं मैम मैं तो ये चलाऊंगी, ये चीज थी इनके साथ में। तो लड़कियों का हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, बहुत मोटिवेट थी और इनको जो है करने का बहुत मतलब एक होता है कि हम जो अगर कुछ करना चाहता है बंदा वो कर लेता है, तो इन लोगों में ये चीज थी। और जो इवेंट थे हमारे 16 इवेंट थे उनमें से जो इवेंट सारे डिफिकल्ट थे और काफ़ी काफ़ी कठिन थे देखा जाए तो, लेकिन जो लास्ट में हमारा जो एक इवेंट था पवन चक्की करके, वो इवेंट था कि उसमें जो दो साइड में लड़कियां हैं वो गोल गोल घूमती है, आपने देखा होगा, और उसमें जो वो इवेंट क्या था कि उसका हमें ये था किस लड़की को, क्योंकि जिसको जाके हम लोग बोलते उसके लिए चलाने के लिए सब तैयार है, लेकिन घूमने के लिए, गोल गोल घूमने के लिए सबका ये था। और तीन जो हमारा रूट था 26 जनवरी का वो 3 किलोमीटर का लंबा था, तो सबका हमारे दिमाग में यही था कि और सारे इवेंट तो ठीक से हो जाए लेकिन ये गोल चक्कर पे गोल चक्कर का कौन होगा।